हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत दिन, आई थिंक 5-7 दिन पहले DD शर्मा जी ने एक जी बिजनेस पे कॉल दिया था, तो उस पे उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, उसकी 3 पॉजिटिव सिग्नल है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो पॉजिटिव सिग्नल ये है, DD शर्मा जी ने ये रिकमेंड किया है। और दूसरा पॉजिटिव सिग्नल ये है कि इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ये भी बोला था भी ये शेयर इनकी पोर्टफोलियो में भी है। और तीसरा सिग्नल ये है कि मैं आपको आगे रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो उस रिपोर्ट को आप ध्यान से स्टडी करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सी कंपनी में लगा रहे हो, कंपनी का आउटलुक क्या है, वो सारा स्टडी करने के बाद ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज हम बात करेंगे कर्नाटका बैंक की। तो कर्नाटका बैंक का हम सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका बैंक का रिपोर्ट। आइए अब इसका करंट मार्केट प्राइस जानते हैं क्या है। 118-19 के पास है इसका करंट मार्केट प्राइस। आइए तो अब इसका जान लेते हैं DD शर्मा जी का टारगेट। तो दोस्तों, टारगेट आपके सामने है, करंट मार्केट प्राइस आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है। तो मेरा मकसद दोस्तों, आपको सिर्फ अपडेट करना था आगे आपकी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।